गाइस वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब लोग ठीक हो गए। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। अभी सुबह सुबह बस उठी हूँ, ब्रश करा है, थोड़ी हवा। जब मैं सो के उठती हूँ थोड़ी सी भारी हो जाती है, पता नहीं क्यों। तो बस अभी मैं सो के उठी हूँ, जा रहे हैं हम अपना नाश्ता करने। 9 बज रहा है क्योंकि ना मैं लेट कल सोई थी, 2 बजे सोई थी मैं, थोड़ा एडिटिंग करके पढ़ाई करके। तो इसकी वजह से आज मेरा था कि वैसे तो 8 बजे उठ जाती, लेकिन आज 9 बज गया है। तो बस आज निकलना भी है हमें शादी के लिए, 11 बजे तक कार आ जाएगी, तो उसमें भी हमें तैयारी जल्दी जल्दी स्टार्ट करनी पड़ेगी। अभी मेरा 9 बजे नाश्ता भी नहीं हुआ है, तो मैंने अभी चाय गर्म कर रखा है, वो चल के हम निकालते हैं सबके लिए और पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। तो मैंने अपने लिए ना ये वाली ड्रेस निकाला है, ये रही पिंक वाली। तो ये वाली ड्रेस मैंने निकाला है क्योंकि ट्रैवलिंग के हिसाब से मुझे बहुत भारी पहन के नहीं जाना है, तो बस ये वाली मैं पहन लूँगी। अदीफा के वैसे तो हम शेयर करते रहते हैं कपड़े, उसकी कोई टेंशन नहीं है, खरीदता है कि पहनते दो हैं। तो जो मेरा होता है वो उसका भी होता है और जो उसका होता है वो मेरा होता है। तो बस अदीफा की ये ड्रेस है जो मैं पहनूंगी आज, बहुत बार पहन चुकी हूँ वैसे तो उसकी है, लेकिन बहुत बार मैं भी पहन चुकी हूँ। और बाकी ये जैन की है और इब्रा की ये वाली पिंक वाली ड्रेस है, ये अभी बटन नहीं है रही। ये सारा कल हमने ना प्रेस करके आयरन करके सब कुछ हमने यहाँ पे लगा दिया था, क्योंकि हमें सुबह पता नहीं लाइट आए कि नहीं आए, तो इस वजह से मम्मी का भी निकाल दिया, कल प्रेस कर दिया था सब कुछ। तो बस अभी चलते हैं, चाय निकालते हैं, चल के आपको आउटफिट भी दिखा दिया मैंने। तो हमारी चाय मैंने निकाल दी है, मैं और वली हम दोनों किचन में बैठ के कर रहे हैं यहाँ पे नाश्ता, और साथ में रोटी में घी लगी हुई है। पराठा मम्मी तब बनाती है जब फ्री होती है, आज हमें कहीं जाना है तो बस मम्मी दूसरे कामों में लगी हुई है, आज मम्मी पराठा नहीं बनाएंगी क्योंकि टाइम लगता है फिर पराठा बनाने में। मम्मी ने पहले से रोटियाँ बना के रख दी हैं, तो उसमें घी लगा के हम अभी अपनी चाय और रोटी खाते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं जल्दी जल्दी खा के। तो इब्रा के बालों का काम हो रहा है, मम्मी कर रही हैं इब्रा का काम बालों का स्ट्रेट करने का। तो इब्रा की ड्रेस मैंने आपको दिखा दी है, तो इब्रा अभी वाली ड्रेस पहनेगी। 10 बज गया, तैयारी जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं, 11 बजे कार आ जाएगी, जैसे ही मैं बार बार बता भी चुकी हूँ। तो अभी मैं जा रही हूँ जैन से कुछ सामान मंगाने क्योंकि हमें रास्ते में जाना है, तो रास्ते में मुंह बंद करके तो जाने नहीं वाले हम। लास्ट टाइम हमने सोचा था रास्ते में कुछ लेंगे, लेकिन पापा की गाड़ी रुकवाते ही नहीं है जल्दी, कहते कि नहीं लेट हो रहा है, बस इस वजह से नहीं रुकवाया था पापा ने। तो इस बार हम थोड़ा सा सामान अपने पास से लेके जाएंगे, यहीं से लेके जाएंगे, जैसे कि चिप्स कुरकुरे वगैरह। तो जैन से अभी वो मंगवाते हैं चीज़ें, अभी जैन रेडी नहीं हुआ है, जब आ जाएगा तब इसको रेडी करेंगे। तो पहले बाहर भेज रहे हैं इसको, और दूसरा मेरी मेहंदी आपको दिखाते हैं रात में, मतलब कि कलर भी बहुत अच्छा आ गया था इसमें। ये वाला बहुत डार्क है, ये वाली भी डार्क है, मतलब ये बैक साइड थोड़ी कमी रहती है फ्रंट वाले से। तो बस जैन को भेजते हैं कुछ सामान मंगाते हैं जैन को। जैन सुनो, तो वली हमारे साथ नहीं जा रहा है, वो जा रहा है दुकान, पापा की हम लोग के साथ जाएंगे ना, जब पापा जाते हैं तो वली नहीं जाता है फिर, तो वली नहीं जा रहा है। वली सामान ला के दोगे क्या? तो जैन को भेजते, जैन कहाँ गए? जैन इधर आओ, बता भाई जा रहे हैं। भाई जा रहे हैं, उसके साथ जाओगे क्या? चलो जी, देखो ये देखो पैर पकड़ो और सुनो ध्यान से सुनना, ठीक है? 2-3 पैकेट लेज, चले जाओगे आराम से? चलो जाओ फिर। बस जैन को भेज दिया सामान लेने के लिए और हम चलते हैं रेडी होने के लिए। 10 बज गए, 1 घंटे में पता नहीं कैसे रेडी होंगे, लेकिन जल्दी जल्दी करते हैं। मेकअप सबसे पहले स्टार्ट करेंगे क्योंकि उसी में लगता है सबसे ज्यादा टाइम, ज्यादा हम जिससे परेशान है वो रहे ये बाहर निकल आते हैं अपने पिंजरे से। चलो कहाँ जाना है, चलो वापस। हाँ जाओ, चलो जा रहे हो कि नहीं? जाओ, चला गया, चले जाओ मिट्टू अंदर। तो अभी मैं वैसे तो तैयार हो गई हूँ मेकअप के साथ, ड्रेस पहनना बाकी, ड्रेस सामने रखे हुए हैं, टंगा हुआ है, और थोड़ा सा आज मैंने ना पिंक टच रखा है मेकअप में क्योंकि पिंक ड्रेस है और वो थोड़ा लाइट कलर में, तो मैंने लिपस्टिक भी ऐसा वो वाला लगाया है वाइन कलर में, और बाकी थोड़ा सा शेड आई शेडो का पिंक लगाया है। आज मैंने न्यूड नहीं रखा है, तो बस जल्दी से ड्रेस चेंज करते हैं। पापा भी आ गए, वो भी रेडी हो चुके हैं, और अभी 11 बज रहे हैं, बस 11 बज गए, और अदीफा और मम्मी का मेकअप भी बस होने वाला है ख़त्म, और अभी कार नहीं आई है फिलहाल, तो बस हम जल्दी जल्दी कर रहे हैं। दोनों छत पर जा रहे हैं कुछ फोटोज़ और रील्स के लिए, और बाकी पापा का शूज़ भी ऊपर ही रखा हुआ है। क्या कर रही हो, ठंडी नहीं लग रही है? तो इब्रा भी यहाँ पर मेरे साथ है, इब्रा की रील्स शूट करेंगे और मैं भी अपनी कर लूँगी। आपको दिख रहा होगा पीछे आज धूप नहीं है, तो बस जल्दी जल्दी से फोटोज वीडियोस करते हैं ना, सब नीचे से आवाज़ लगा रहे भी लगेंगे कि आओ जल्दी, तो बस हम जल्दी से शूट करते हैं उसके बाद आपसे मिलते हैं। कार आ गई है नीचे और हम लोग अभी छत पे रील्स ही बना रहे थे, कार भी आ गई है और दादी भी अंदर बैठी है, अब्बू भी है, तो हम लोग भी बस थोड़ी देर में जल्दी से पहुँचते हैं। रील्स और फोटोज थोड़ी सी और है, बस एक्सेसरीज भी लगा लिया, ये इयररिंग्स भी पहन लिया, पहनना मैं भूल गई थी।
पापा एड्रेस पूछने गए, जब तक तुम उठो आने ही वाला है। कहाँ गए पापा? चलो आ गया, बस सोने के लिए आइयो। कब्रिस्तान नहीं है, बाजार है वहाँ, बाजार। ये वाली गली नहीं है, दूसरी गली में जाना है। ये वाला घर भी कितना अच्छा है, ऐसे जगह रहने में अच्छा लगे ना पूरा। यू टर्न ले रहे हैं फिर से, यही है घर। कितने बिल्कुल मिट्टी वाले ना, तो आप लोग उतर जाओ यहीं। चलो उतरे। इब्रा जैकेट पहन लो, अंदर है गली में कहीं पे और अभी हम उतर रहे हैं। चलो जल्दी पहुंच गए, लास्ट टाइम था ना। कैसा लगा जैन? अच्छा। पीछे क्यों नहीं बैठे थे? वॉमिट, वॉमिट जैसा। नहीं पहनो इसको, पहन लो इब्रा। चलो हम लोग चले। वाला घर देखो पूरा मिट्टी से बना है, गेट भी लगा है, कोई रहता भी हूँ। क्या नहीं, मेरे भैया हैं। किसके? हमारे भाई, पापा के भाई, मामू के लड़के। अच्छा, सलाम वालेकुम। तो अभी हम छत पे आए हैं, जिनका घर है उनके छत पे। नहीं कह रहे छत पे आए, वो टेंट जो लगा है ना वहाँ पे हमें काम था। लकड़ियाँ रखी हैं कितनी सारी टाइप्स की, अलग अलग टाइप की। बारात भी आ गई नीचे, मतलब लड़की की शादी ना इसलिए बारात आ गई। अभी हम खाना खा चुके हैं। कहाँ? हाँ अच्छे लग रहे हैं, पता नहीं कौन से टाइप के। वहाँ पे दहेज रखा है। तो अभी हमारा खाना भी हो चुका है, उसके अलावा अभी हम यहाँ इनके छत पे आए, जिनके घर में शादी है। तो मैंने खाने का, नीचे उनका घर है वहाँ का नहीं शूट करा है। बाकी अभी पता नहीं कब हम जाएंगे, पापा और जैन नीचे हैं, दादी भी नीचे बैठी हुई है। अब खाना तो हो गया, 3 बज रहा है, पता नहीं कब तक यहाँ से जाना होगा। बाकी गाँव जैसा है पूरा, हर तरफ खेत ही खेत है।
तालाब में गई थी, वहाँ दूर पे तालाब दिख रहा है, ये कैप्चर कर ली गई थी। हाँ इतनी दूर आ गया, तो यहाँ पे खाना लगा था, वहाँ पे वो तालाब है। जैन इब्रा गए थे अब्बू के साथ। इब्रा किनारे से हटो। तो यहाँ पे इनका ये चूल्हा है, बहुत प्यारा सा खाना बनाती हैं, लग रहा है अभी राख भी पड़ी हुई है। तो मम्मी कब तक चलना होगा? पापा से पूछो, किसी को घर है अभी तो बारात आ रही है। हाँ अभी तो बारात आई है। जो सामने पेड़ लगा है ये अमरूद का है, और इसमें इतने सारे अमरूद लगे हैं। इधर देखिए एक बड़ा सा ये लगा है, और दो इधर मुझे दिख रहा है, बहुत सारे अमरूद इसमें लगे हुए हैं। पता नहीं किसका है, तोड़ ले जाके। उधर खाना बन रहा है, कुछ जो गाने की आवाज़ आ रही है, सब बारात आ रही है। अभी आई नहीं थी, मुझे लगा आ गई है, लेकिन अभी आई नहीं है, रास्ते में। तो अभी हम जा रहे हैं तालाब की तरफ, पापा गए, मम्मी और मैं और अदीफा। हाँ पता नहीं कहाँ से तालाब, हम लोग को पता नहीं, और रहा तालाब और पापा पता नहीं कहाँ है, क्या जरूरत तो है खड़े रहेंगे। ये पूरा यहाँ मम्मी किसकी खेती है, गेहूँ कि क्या होता है, गेहूँ? हाँ ये होता क्या गेहूँ, ये पता नहीं। पापा का फ़ोन आ रहा है, पापा जो ना करवाए कह रहे इधर आओ। अब पता नहीं कैसे जाना होगा, इतना पतला रास्ता है। मम्मी भी आ रही है, दीपा भी आ रही है। इतना रास्ता तो पार हो गया है, पूरा जंगल है भाई इधर तो, और डरावना है। कितना गहरा तो हो गई ना गाइस, ये बहुत गहरा होगा। पापा सामने हैं, दिख रहे हो अगर, सारे सिंघाड़े हैं जो आपको दिख रहे हैं, दिखाती हूँ। पापा ने इसीलिए बुलाया है, और ये और अब्बू, ये दोनों तो बहुत देर से घूम रहे हैं यहाँ पे। ये फोन लिए इतना, फोटो देखो खाली फोटो, दोनों के चुलबुलों के इधर किनारे से हट के पेड़ में चढ़े हैं। ये गहरा अब, ये गहरा है कि नहीं, बहुत गहरा। ये देखो फोटो, देखो खाली फोटो, देख लो हमको पहली बार मतलब कैसा लगा। ये ब्रा सही है, वगैरह भी बनाई। यस अब यहाँ से वापस जाने में भी नानी याद आएगी। नानी नहीं अभी, और नानी याद आएगी, वहाँ पे भी मैं अपनी रील बनाऊंगी। कितना अच्छा लगता है ना ऐसे जंगल के बीच में आ जाओ। अरे जंगल के बीच में वहाँ कुछ खाने का है, पेड़ में लगा है। हाँ? क्या लगा है? वो सैंडल था कि मेरा भी मन कर रहा है, लेकिन यहाँ कांटे आटे हुए तो और लग जाएंगे। कांटे तो नहीं है, उतार देना, हम भी उतार दें। इसको ले लेके घूमेंगे अब। तो अभी इन्होंने अंकल ने सिंघाड़े निकाल के दिए हैं। हाँ लौट गया, तोड़ देंगे सिंघाड़े, ये पूरे में होगा। ज्यादा ना करना, अरे नहीं हम तोड़ देंगे। हमारे पास बहुत है।
क्या पैसे थे? पैसे रहे तो पैसे नहीं हैं? रहे तो पैसे। यहाँ का आदमी देख लो, है तो आदमी है। ये कल पड़ा है। वही अपनी जब तुम हो ये हो तो नाम तो ले हो माँ। यार धीरे धीरे आएंगे कब का लेंगे अब जब तक आएंगे जिंदा है जब तक आना जाना रहेगा। क्या नाम है भैया तुम्हारा? अखिलेश। अखिलेश। ऐसा नाम रखे भूल भी ना पाए नहीं यार इनका भी नाम यही खाता रहेगा नुकसान नहीं करते ना पानी का आइटम नुकसान नहीं करता तासीर गर्म होती है ये गर्म चीज है सी फूड है मछली गर्म पानी में रहती है मछली गर्म होती है सिंघाड़ा पानी में रहता है गर्म है उसकी तासीर गर्म होती है थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं ये पापा क्या है गेहूं गेहूं बाड़ी में गेहूं तो है ना बाले और गेहूं है गेहूं तो लगा है दूर दूर तक यही है चलते अंदर देखते अंदर क्या है वो खजूर के पेड़ है हाँ लग तो रहे लेकिन यहाँ खजूर कैसे गांव में आके बड़ा मजा आता है लेकिन बस ये बस दिन दिन का देख लो बड़ा मजा आता है ये कटा हुआ है ना रस्सी से बंधा भी है अपना अपना एरिया बैम्बू ये बांस का पेड़ ये बैम्बू ये बांस मतलब बैम्बू ना हाँ ये है ये मोटी होती थी इसी के हम लोग को बनाते थे पेन कल हम लोग फाउंटेन इंक की बात कर रहे थे पेन की बात कर रहे थे ये है तो ये बैम्बू है तो ये पहली बार असली वाला देखा ऐसे तो डोरेमोन में देखा था हाँ ये देखो डोरेमोन के अलावा आज देखा इसको काट के बॉटल जैसा पानी नहीं ऐसे नहीं सुनो तो एक हमारी हाँ। मेरे गांव में ना एक ऐसे डाल आती थी तो उसमें बैठ के ना झूला झूला करते थे इतनी हाँ हाँ ये किस चीज का है बैगन पर्पल फ्लावर है ना इसमें हाँ हाँ दिख गए लड़का बेचारा तोड़ के इतने दे दी दो किलो तक के हैं करीब फ्रेश फ्रेश दो बैगन ले लो दो बैगन दो भी खाता अच्छा पेड़ ले ये तोले दो ये लीची का पेड़ ये ग्रीन ग्रीन रसबेरी जो होती है ये वाली हाँ ये और क्या ये देखो ये इसके अंदर होती है और अभी ये कच्ची है क्या बोलते हैं उसको ये कच्ची है ये अभी ये येलो हो जाएगी ना पक जाएगी यहाँ बैगन है ये रसबेरी है ये पता नहीं क्या है तो हमको तो बड़ी मजा आ रही है आज ऐसे में हमेशा वापस करती हूँ यहाँ फोटो खींचनी है तुम्हें आगे आंटी लोग भी हैं हर खेत वाली से वाले से पापा बात कर रहे हैं देखो चाची लेके आई हैं क्या चाची घास काट के लाई हैं अच्छा नहीं हम इनका उठवा दे घास अरे वजन कहाँ है वजन कहाँ है अरे कोई नहीं हम आपकी फोटो डालेंगे भैया को ये किस चीज का
सरसों है अब सब शहरों में रस बस गए तो कोई पहचानता भी नहीं ना कोई आते जाते ना कोई किसी को जानता है। हाँ गर्मी में काश आते हैं यहाँ से आम तोड़ना तो बड़ा आसान रहता होगा। ये सारे आम के पेड़ हम तो घुसते ही चले जा रहे हैं। पापा थोड़ा रुक कर चलिएगा। चलो चलो चलते रहो। जानू कैसा लग रहा है? इब्रा कैसा लग रहा है? हाँ जल्दी आओ इब्रा इस पे लटक जाए। हाँ इब्रा पकड़ो मेरी वीडियो ना पकड़ो पकड़ो उधर ही से वाले में नहीं नहीं टूट जाएगा नहीं टूटे ना अब्बू वाले पेड़ बहुत छोटे छोटे हैं मामू वाले ना। पूरा जंगल जंगल है यहाँ पे जंगल जंगल है पूरा। आज हम आपको खेत को सैर कराएंगे आती रहो। मैं इनके अब पार्टनर बन चुकी हूँ गाइस फोटोग्राफर बस आप देख लीजिए बहनों का काम ही यही होता है। हाँ तुम्हारी भी तो रियल स्नैक शो करती हूँ। ओके ओके देखिए बच्चों की तरह भागती है ये बच्ची हूँ मैं। नीचे नहीं जो ट्रंक होती है ना वो नीचे से बहुत छोटी है आसानी से कोई भी चढ़ के तोड़ ले आम तभी इतना इजी होता है जब मूवीज में देखो आम हम तोड़ लेते हैं ना लोग। जी जी ऐसे ही तो होता है अगर हम लोग यहाँ रह रहे तो हम लोग तो परेशान ही कर देते हैं आम वाले को। बगीचा छोटी बच्ची है क्या? हम लोग ने एक बार पता नहीं कहाँ पे हम लोग हमारे मामू के साथ कौन सा गांव है वो गांव का नाम नहीं मालूम लेकिन मामू थे हमारे और हम लोग थे हम लोग शादी में गए थे तो वहाँ पे उनका पता नहीं किसी का हो गया ऐसी तो हमने ना चप्पल मार के जूता मार के ईटा पत्थर मार के वो निकाला था अमिया उस टाइम मतलब आम नहीं उसके हुए थे राइप नहीं हुआ था फ्रूट तो हमने अमिया तोड़ी थी और जो अंकल ने भगाया भागे हम लोग उल्टा पैर। अच्छा हुआ आप लोग के साथ दो तीन चार अमिया आई वो भी छोटी छोटी भागे मे का टाइम था। ये बड़ा हील्स में दिक्कत होती है चलने में। अबू कितना अंदर जाना है बस हो गया गाइस। इसका डिजाइन देखो अबू खींच रहे फोटो जैन की पापा कहाँ गए वो आ रहे हैं पापा इधर खड़ी हो इधर इधर खड़ी हो इधर खड़ी हो। क्या तुम लोगों को कभी पेड़ में चढ़ने को नहीं मिला तो आज तुम लोग पूरी कसर खत्म कर देना। खड़ो 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 जैन खड़ो। अरे इब्रा तुम पूरा पूरा पेड़ चढ़ जाओगी तुम रील्स के लिए तो चढ़ाया था ऊपर इतना ऊपर चढ़ने की क्या जरूरत है नीचे आओ बहुत ऊपर चला गया रील्स और वीडियोस के साथ हम जा रहे हैं यहाँ से सबने अच्छी फोटोज क्लिक करवा ली और रील्स बना ली इब्रा की शरीफा। हाँ शरीफा भी तोड़ा वो भी अब्बू ने और जैन ने पता नहीं कहाँ से हम लोग जब तक रील्स बना रहे थे। हाँ दिखा रहे हैं सनसेट का टाइम हो रहा है बहुत अमेजिंग लग रहा है यहाँ का सीन तो गाइए गाइए बना लो और क्या। अरे देखो अरे बहुत चलिए हाँ गाना गाना पड़ेगा जाएंगे। आओ आओ गाना गाइए सिंघाड़ी लिए गाना गाइए ना मेरा गाना गाने की स्किल्स बहुत तो मैं थोड़ी ना कह रहे नहीं वो कौन सा गाना है अरिफा नदिया के पार का कौन दिशा में लेके ये कौन दिशा में लेके चला है गुजरिया। ये दिल दीवाना गाना है
नहीं वो गाती कौन दिशा में लेके चला रे गुजरिया है ना ठहर ठहर थोड़ा ठहर ठहर जरा तोड़ ले जरा सिंघाड़ा अब फोटोग्राफी पे लगे बच्चों की करी कैसे देखो तो हाँ वो देखे चढ़ी चुड़ैल चुड़ैल आराम से चलने चल जाती है बाल में वो कैसे बच गई बालों ही से लिपटेगी चुड़ैल क्या तो आम का पेड़ है आम पे नहीं होती क्या आराम स्लीपर कहाँ रखा कहाँ रह गई चलो आगे चलो कितना सन्नाटा है फ्रेंड्स अरे पकड़ के देख लेना दीदी जाएगी वो बेचारी इतने लात के ला रही क्या करी भैया अरे भैया काम हार बाहर का पता नहीं काम हार है हमने कहा हमने अपनी बिटिया से कहा चला साइकिल तुम अभी अभी चली जाएंगे नहर में वो चलाना तो छोड़ है नहर में चली जाएंगे तो क्या चाहते हैं आप नहर में चले जाएं हम ये नहीं चाहते हम तो चला दो बिटिया चला दे तुम भी चलो पैदल पैदल पानी पीना है क्या नहीं है पानी है वाह 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 पानी भी है ठंडा नहीं इसमें गर्म आ गया शाम का टाइम गर्म आता है क्या सर्दी में गर्मियों में गर्म अच्छा गर्मियों में बहुत ठंडा हाँ गर्मी में तो हैंडपंप का पानी मैंने भी पिया है अपने घर के सामने नहीं था खेल खेल के आते थे बस वहीं पे हाथ पैर धो के पानी पीता अंदर आते थे ये लड़की ले चलो चलो भी अरे चलो सर कितना प्यारा लग रहा था ना और क्या मतलब कि खेत हो और पानी भी हो एक साइड और एक साइड पे इसमें तरो ही है ये तो नीम है इसमें कहाँ है लौकी अरे वाह तोड़ ले चलते हैं पापा अरे अभी तो कितना लंबा जाना है रात का टाइम शाम का टाइम 5 से ज़्यादा हो रहा है टाइम और हम निकल रहे हैं अपने घर के लिए ये रही दुल्हन की गाड़ी और बाकी ये हमारी गाड़ी ये मैं इब्राहिम आगे मत बैठना मेरे साथ बहुत दिक्कत होती है वीडियो बनाने में चलो 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 पीछे चलो पापा आगे बैठे हम पीछे बैठ जाएंगे पापा इधर देखिए इधर देखिए रास्ते से कोल्ड ड्रिंक फोन के सामने कह रही है आप दिलाना है चलिए बैठो 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 चलो अरे आ जाएगा आने जाने दे यार इब्रा हटो मेरी जगह से नहीं नहीं तुम आओगी नहीं आई बहुत दिक्कत में बैठे थे नहीं जगह नहीं रहती है पानी हर जगह पानी का अलग-अलग मामला है ना तो हम निकल रहे हैं ना तभी हम कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए यहाँ रुके हैं इब्रा हो गया दीपा हो गया तो अभी हम घर आ चुके हैं जैसे कि घर पे आपको मैं दिख रही हूँ और 7:30 बज रहे हैं अभी शाम के और हमें खाना भी खाना है रात का पता नहीं क्या खाएंगे क्योंकि हमने दोपहर में खाया था वहाँ पे शादी में और हमें रात हो गई 7:30 बज रहा है खाना तो कुछ खाना ही पड़ेगा पता नहीं पापा क्या लाएंगे वेज लाएंगे नॉन वेज लाएंगे मैगी खा के काम चलाना पड़ेगा पता नहीं और कार वाले मतलब ही कार में मैंने पापा से कहा था कि कहीं चलते हैं खाना खाने के लिए लेकिन कार वाले जो थे ना उसको पता नहीं क्या तकलीफ थी उसने कहा कि वो नहीं जाएगा उसका टाइम कहीं और है जाने का मतलब कि जो ड्राइवर होता है
तो उन्होंने कहा कि वो नहीं जाएंगे, तो बस उसकी उनकी वजह से हम रह गए, वरना तो हम शायद डायरेक्ट ही कहीं जाते। लेकिन मेरे फ़ोन की बैटरी वैसे भी ड्रेन हो गई रास्ते में ही, तो उसकी वजह से मैं व्लॉग भी नहीं कर पाती अगर वहाँ कहीं जाते भी हम लोग। तो बस अभी घर पे हैं, चेंज करते हैं, उसके बाद आपसे मिलते हैं। तो अभी मम्मी पापा दोनों घूमने जा रहे हैं, खाना भी लेती है ना, वेज लाना, वेज ऐसा नहीं, वेज लाना। पापा जा रहे घूमने। अरे तो घूमने जाए तो खाना तो लाओगी, हम लोग भी तो घर पे हैं, अकेले घूमोगी? हाँ बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, जाइए। अभी बज रहे हैं 8:30। तो अभी मम्मी जब गई हुई है तो हम लोग अपना फोटोज वगैरह सब स्क्रॉल कर रहे थे कि कैसी आई है हमारी, तो बताओ ना इतनी मेरी फोटोज जो मैंने खींची इसकी इतनी बुराई कर रही है, इतनी ज्यादा बुराई कर रही है, आईने से फोटो ही नहीं खींचना मैंने इसकी। कह रही मैंने देखो कितनी प्रोफेशनल तुम्हारी फोटो खींची है, कितनी अच्छी खींची है, अब मेरी देखो तुमने कैसे खींची, थोड़ी खींची है, वहां खींची है, सीधी नहीं खींची है, और रुक के खींच रहे तो हमने टाइम लगा के, बहुत टाइम लगा रही, बहुत टाइम लगा रही, मेरा पता नहीं क्या वो फोटो खींच रहा है, कीड़ा मर चुका है, पता नहीं क्या हो गया है। अच्छा अब देखो आईफोन की वजह से शायद वो कीड़ा वापस आ जाए। आज मैंने बहुत सारी फोटोज ली है, ऐसा मैंने शायद जब पहली बार मेरा ऐसा वो सैमसंग वाला हमारे पास नहीं फोन आया था जिसका कैमरा भी अच्छा था, अच्छा स्मार्टफोन था वो, तो तब मैंने वैसी फोटोज मतलब बहुत सारी सेल्फी लेती थी, जहाँ जाती थी सेल्फी लेती, जहाँ जाती थी सेल्फी लेती थी, फोटोज लेती थी, इतना क्रेज था मुझे उस टाइम। फिर उसके बाद मेरा क्रेज वो मर गया एकदम से, और फिर उसके बाद अब मुझे क्रेज रहता है कि हाँ फोटोज भी कुछ होती हैं। तो अब फोटोज की एक तो ये अच्छी खींची इसने, मेरी अच्छी खींची मतलब की, तो अपने वाले की बुराई कर रही है तो ठीक है ना, किसी के हाथ से नहीं होता है, कुछ नहीं आता है, कुछ नहीं आता है, एक काम तुम्हें सिर्फ ढंग का आता है वो भी फोटोज खींचना, वो भी कहो इत्तेफाकन खींची हो तुमने ऐसी। एंगल देखते हैं पूरा, ये कुछ नहीं, जल्दी 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 बस हो जाए, कैसे हम आगे बढ़ जाए, बस हो गई खींच गई। मेरा व्लॉग पे ज्यादा ध्यान था कि व्लॉग की वीडियोस बने और रील्स बन जाए। रहे थे क्या पापा रुके तो थे? हाँ ये भी बात है, अगली बार अंटिल नेक्स्ट टाइम, झूठी है ये, अंटिल नेक्स्ट टाइम बोल दिया ना, अब नेक्स्ट टाइम ज्यादा ना कर गुस्से में, इतनी देर से बार बार वही फोटोज को गैलरी में स्क्रॉल कर रही, देखो कैसे खींची है, बार बार उसके ऊपर चिल्ला रही। आईफोन आगे लेकिन तमीज नहीं आई आईफोन खींचने की, फोटो खींचने की। कुछ लोगों को बड़ी सीरियस भी लगेगी ये बात, कह तो रही हो तुम। हाँ तो लगे सही है, फोटो वोटो खींचने कोई तमीज नहीं। चले लगता है अभी मम्मी आई नहीं, खाना भूख लग रही है हम लोगों को, तो खाना आ चुका है, मम्मी पापा वापस आ चुके हैं, और ये वेज वेज ही ये चीज़ें मतलब कि पनीर का कुछ होगा और बाकी बटर नान है। अब ये निकालते हैं, हैंड वॉश करके मैं आती हूँ जल्दी से। अब मैं जा रही हूँ सोने, नहीं फिर सोने, पढ़ने मतलब कि पढ़ने जा रही हूँ, अभी 10 बज रहा है तो 12 बजे तक फिर भी ठीक रहेगा पढ़ना, थकी बहुत हूँ, बहुत सोने का मन कर रहा है लेकिन नहीं हो सकता, तो अभी जा रही हूँ मैं पढ़ने। ये ब्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये ब्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, मिलते हैं जल्दी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। और मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहे, ऐसे देखते रहे, और मुझे बहुत नींद आ रही है।